अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मकसूद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चेकी हेल्प टिप्स। बैटरी एक ऐसी चीज़ जो कि हमें बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत पड़ती है, और जब भी बैटरी हमारे मोबाइल फ़ोन पे नहीं होती है तो हमें बहुत ही ज़्यादा झुंझलाहट आती है। जब हमारे फ़ोन थोड़े से पुराने हो जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज होने लगती है। इसका रीज़न क्या है, क्यों ये डिस्चार्ज बहुत जल्दी होती है, कैसे आप अपनी बैटरी की लाइफ को बढ़ा सकते हैं, क्या वो तरीका है जिसको आपको करना है, आइए वो सारी चीजों के बारे में जान लेते हैं। जीपीएस सिस्टम हम काफ़ी ज़्यादा ऑन करके रखते हैं। जब भी हम ट्रैवलिंग करते होते हैं, हमें लोकेशन फाइंड आउट करना होता है, या बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जहाँ पे जीपीएस सिस्टम को ऑन करना होता है उसके बेटर परफॉर्मेंस या बेटर वर्क के लिए। जैसा कि आपने देखा होगा आरोग्य सेतु ऐप, यहाँ पे भी जीपीएस और ब्लूटूथ को ऑन कर रखना पड़ता है। और कई बार ये देखा गया है कि ये जो ऐप होते हैं इनसे आपकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा खपत होती है। जो बैटरी आपकी एक दिन चलती थी, यहाँ पर सिर्फ ये बैटरी चलती है आपके 12 घंटे या फिर 18 घंटे और ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आपसे रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आपको कोई काम नहीं है तो अपने जीपीएस सिस्टम को बंद करके रखें, नहीं तो आपकी बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज होगी और आपको बार बार चार्ज करना पड़ सकता है, क्योंकि जब आपका फ़ोन हो जाता है थोड़ा सा पुराना वहाँ पे ये प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। ज़्यादा जो आपकी बैटरी को ड्रेन कर रहे हैं ऐप्स, उनको आप अनइंस्टॉल कर दें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है उस सॉफ्टवेयर में, उस ऐप में कोई बग होता है या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से बैटरी आपकी काफ़ी ज़्यादा जल्दी ड्रेन हो जाती है, या वो सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में रन करता होता है जिसकी वजह से आपकी बैटरी ड्रेन होती है। तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं अपने ऐप में जाके कि कौन से ऐसे ऐप हैं जो सबसे ज़्यादा बैटरी को ड्रेन कर रहे हैं, आप उनको अनइंस्टॉल कर दें। और मैं आगे आपको बताऊंगा कि नहीं, अगर आप यूज़ ही करना चाहते हैं तो कौन सा आप वर्जन यूज़ करें ऐसे ऐप के लिए। तो रिकमेंडेशन यही है कि आप इन ऐप को बराए मेहरबानी अनइंस्टॉल कर दें, नहीं तो आपकी बैटरी जाने ही वाली है, रुकने वाली बिल्कुल भी नहीं है और ड्रेन होती रहेगी। डार्क मोड, ज़्यादातर फ़ोन में इस वक्त एंड्रॉयड फ़ोन में डार्क मोड ऑप्शन अवेलेबल है। अपने फ़ोन में आप डार्क मोड को ऑन करके रखें। अगर आप डार्क मोड पे अपने फ़ोन को ऑन करके रखते हैं तो फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो बैटरी है वो ड्रेन जल्दी नहीं होती है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपकी आंखों को भी काफ़ी सुकून मिलता है और आपकी आंखों में ये डार्क मोड चुभता नहीं है। तो दो फायदे हैं, मतलब एक तीर से दो निशाने। बैकग्राउंड ऐप को लिमिट करना, मतलब आपके बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐप चलते रहते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, या फिर ट्विटर हो गया, या अदर बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो आपके बैकग्राउंड में चलते रहते हैं जिससे आपको खासी प्रॉब्लम आती है और आपकी बैटरी जल्दी ड्रेन होती है। तो आप उसको जाके सेटिंग में चेक कर लें कौन से हैं जो बैकग्राउंड ऐप जो सबसे ज़्यादा आपके चलते हैं, उसको लिमिट करें, उसको स्टॉप करें ताकि आपकी बैटरी जल्दी ड्रेन ना हो। तो बैटरी एक्सटेंड करने के लिए ये भी आप कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐप जो आपके ओपन होते हैं, जैसे कि आपने कोई ऐप खोला मिनिमाइज कर दिया, कोई ऐप खोला मिनिमाइज कर दिया, इस तरीके से जब आप करते हैं तो वो ऐप क्या होते हैं आपके बैकग्राउंड में रन होते रहते हैं, तो उसको भी आप डिलीट करें। जब आपको किसी भी ऐप का काम नहीं है तो उसको रिसेंट में जाकर डिलीट कर दें, इससे भी आपको फायदा होने वाला है। लाइट ऐप, इसके बारे में आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग रिकमेंडेशन करते हैं कि फेसबुक का आप लाइट वर्जन इंस्टॉल करें, ट्विटर का आप लाइट वर्जन इंस्टॉल करें। वो क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि अगर लाइट वर्जन को आप इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे आपकी इंटरनेट की खपत भी कम होती है, उसके साथ साथ आपकी बैटरी भी बहुत कम ड्रेन होती है। तो इसलिए मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप अपनी बैटरी को एक्सटेंड करना चाहते हैं या आपका फ़ोन हो गया है पुराना, तो आप लाइट वर्जन को इंस्टॉल। अगर ये लाइट वर्जन अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपकी बैटरी जो है वो जल्दी ड्रेन नहीं होती, आप अपनी बैटरी लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं अगर आपका पुराना फोन है। तो ये रही कुछ सिंपल और आसान ट्रिक जो कि आप अपने पुराने फोन की बैटरी की लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक जरूर करें, और अगर आप मेरे एक नए व्यूअर हैं अभी तक, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें व्हाट्सएप पे ताकि उन लोगों को पता चल सके जो लोग इसके बारे में नहीं जानते।